हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट फर्स्ट इन एल्कोहल्स, बिकॉज वी कंप्लीट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, जिससे रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं, उनके आंसर आपको किस वे में देने हैं। क्लियर? तो यहाँ वन बाय वन क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे और उनके आंसर आपको मैं दूंगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको मैं पहले बता चुका, और जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं या जहां आपको दिक्कत है, वो क्वेश्चन अपन यहाँ पर आज प्रैक्टिस में लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन है आपका, राइट द क्वेश्चन नंबर आपका क्या वन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ऑक्टेन इथेन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ऑक्टेन इथेन। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरे को आपको ओनली क्वेश्चन की लैंग्वेज दिखानी थी, किस टाइप से क्वेश्चन आपका पुटअप होता है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर इसको आपको ऐसे न करके यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इतना वर्ड भी आपको वो दे सकता है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू ऑक्टेन इथेन। तो यहाँ पर आप प्रोहिबिटेड हो कि आपको इथेनॉल लेना है, इथेन बनाना है, या एल्कोहल है, आप आर वगैरह कुछ भी ले सकते हो, या कोई बाउंडेशन नहीं है, बट यह बाउंडेशन है कि आपको क्या लेना है, इथेनॉल ही लेना है। क्लियर? आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर टू में दो क्वेश्चन में ऐड करूंगा आपको रिगार्डिंग, हालांकि करवा चुका, फिर भी आप देख लीजिए। CH3CH2OH, ये आपका वन डिग्री है, CH3H2CHOH ये टू डिग्री एल्कोहल है, और CH3OH ये आपका थ्री डिग्री एल्कोहल है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आपसे यहाँ पर दो क्वेश्चन में एक साथ क्लियर करवा रहा हूँ आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टूवर्ड्स द एस्ट्रिफिकेशन, इसकी बात कर रहा है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर टूवर्ड्स एस्ट्रिफिकेशन। अब एस्ट्रिफिकेशन कौन सी रिएक्शन है आपको ध्यान देनी होगी, एस्ट्रिफिकेशन आपके टोटल फोर टाइप की रिएक्शंस जो अपन ने डिस्कस की है केमिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, उसमें ड्यू टू क्लीवेज ओएच बॉन्ड जिससे आती है आपकी ओएच बॉन्ड क्लीवेज से रिगार्डिंग कौन सी रिएक्शन आती है आपकी एस्ट्रिफिकेशन, मतलब इन तीनों एल्कोहल में जितना जल्दी आपका OH मतलब H रिमूव होगा उतना ही जल्दी कौन सी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में जो ऑर्डर मिलेगा, हालांकि ये टॉपिक में मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ, फिर भी बाय क्वेश्चन आप देख लीजिए,
इसका जो ऑर्डर बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर वो क्या होगा, सबसे कम आपका 3 डिग्री होगा, उससे ज्यादा आपका 2 डिग्री होगा और सबसे ज्यादा आपका क्या होगा 1 डिग्री। रीजन क्या है आपका, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसके लिए प्लस आई इफेक्ट जितना कम होगा उतना ही इजी गोइंग ये यहां से एच रिमूव करेगा और कौन सी रिएक्शन देगा आपका एस्टरीफिकेशन। क्लियर है? दूसरा देखिए आप, दूसरा है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इसकी बात कर रहा है ये डिहाइड्रेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके लिए बात करेंगे अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा और उसका रीजन क्या होगा। अब देखिए डिहाइड्रेशन जो है वो आपकी कौन सी रिएक्शन में आती है, वो रिएक्शन में आती है रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ एल्कोहल, उस टाइप की रिएक्शन में आती है। तो वहां पर जो आपका आंसर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या होगा आपका 1 डिग्री सबसे कम, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री। रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो 3 डिग्री एल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन बनेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। देन ऑर्डर 1 डिग्री उससे ज्यादा 2 डिग्री एंड 3 डिग्री ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? ये मैंने एक क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या आता है, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिगार्डिंग, किससे बॉइलिंग पॉइंट से रिगार्डिंग। यहां पर एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है आपका ईथर से, और फिर यहां पर हाइड्रो कार्बन। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज ग्रेटर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन विथ कंपेरेबल सिमिलर मोलर मास, इन सबका सिमिलर मोलर मास है फिर भी एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा क्यों होता है, ये आंसर आपको देना है। देखिए ईथर में पोलेरिटी, इसकी बात करें अपन पोलेरिटी वेरी लेस, ईथर में पोलेरिटी क्या होती है बहुत कम होती है। देन एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं, यहां पर पोलेरिटी बिल्कुल नहीं है तो आपका एच बॉन्डिंग तो सोचना ही बिल्कुल नहीं है। क्लियर? ईथर में पोलेरिटी बहुत ही कम होती है, देन एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, यहां पोलेरिटी बिल्कुल नहीं होती तो एच बॉन्डिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती। यहां पर क्या होती है पोलेरिटी प्रेजेंट होती है, क्या होती है बेटा पोलेरिटी प्रेजेंट होती है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगी एच बॉन्डिंग, क्या प्रेजेंट होगी एच बॉन्डिंग, कौन सी वाली होगी आपकी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग,
इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन बिटवीन द एल्कोहल मोलिक्यूल, और जब एसोसिएशन होगा वहां पर क्या बढ़ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। इनमें इस टाइप का कोई एसोसिएशन नहीं है, मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट है। उस कंडीशन में एल्कोहल का ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन ज्यादा होता है, देन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर अपन दिखा सकते हैं ROH HOR, ये क्या है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल। दिस इज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एल्कोहल मॉलिक्यूल। सो दिस रीजन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ग्रेटर देन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। लास्ट दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिमेनिंग है, उनको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। वो आपके हैं IUPAC से रिगार्डिंग, किससे रिगार्डिंग, IUPAC से रिगार्डिंग। देखिए बेटा, कई बार आपके एल्कोहल का क्वेश्चन और में आ जाता है, मतलब मेजर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है, तो उस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसमें 28, 29 और 30 आपके थ्री मेजर क्वेश्चन आते हैं, 28, 29 और 30, तीनों आपके कितने, 4 मार्क्स के आते हैं। और इसमें क्या होता है 1, 2, 3, 4, फिर और होगा 1, 2, 3, 4, और ये आपके 1+1+1+, इस टाइप से आपके 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं। और लगभग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर IUPAC ने रिलेटेड है तो नीचे वाला भी फर्स्ट क्वेश्चन आपका IUPAC से रिलेटेड होगा। सेकेंड क्वेश्चन कोई रीजन का है तो यहाँ भी सेकेंड क्वेश्चन रीजन का होगा। ये कंप्लीट द फॉलोइंग है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग है, यहाँ कोई नेमी रिएक्शन है, यहाँ कोई नेमी रिएक्शन है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन आपके और भी मिलेंगे आपको ऊपर भी और नीचे। तो कई बार IUPAC नोमेनक्लेचर आपसे पूछ लेता है, बट वो किस सेंस में पूछता है मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड IUPAC name of following, IUPAC name of following, first है आपका isobutyl alcohol, second है tertiary butyl एल्कोहल, फोर्थ है आपका ग्लाइकोल, सॉरी थर्ड और फोर्थ है आपका ग्लिसरॉल, क्या है ग्लिसरॉल। ये सारे के सारे क्या है आपके कॉमन नेम, उसने आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया, फॉर्मूले से अपन को आइडिया हो जाता है, पर उसने क्या दिया, पहले इनका आप क्या लिखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, फिर इसका क्या लिखो आप IUPAC नाम दे, क्या लिखो IUPAC नाम। तो देखिए फर्स्ट की बात करते हैं अपन, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, देखिए CH3CH CH3CH2O, दिस इज द आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए इस तरीके से जाएगा आपका 1, 2 और 3, 2-methyl propane 1-O, 2-methyl propane 1-O, फॉर्मूला भी हो गया और आपका नेम भी हो गया। अब आ जाती है आपकी किसकी, टर्शियरी ब्यूटाइल, अब देखिए CH3 C CH3 CH2
CH3 और आपका ये OH. This is the tertiary butyl alcohol. क्या लिखना है आपको IOPS के लिए? देखिए या तो क्या बन गई चेन बन गई 1, 2 और 3 राइट. तो क्या हो गया 2-methyl प्रोपेन 2 और क्लियर है 2-methyl propane 2 और 2-methyl propane 1 और 1 2 2 पे क्या है OH लगा हुआ है 1 पे क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है. दिस इज द आइसोब्यूटाइल एल्कोहल और दिस इज द 2-methyl सॉरी टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल. आईयूपीएसी नेम इज 2-methyl propane 2 और एंड आईयूपीएसी नेम इज 2-methyl propane 1 और. क्लियर. लास्ट टू है आपके ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल. अब देखिए ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल का नेमिंग देख लीजिए. ग्लाइकोल इसको अपन इथाइलिन ग्लाइकोल के नाम से भी जानते हैं. ग्लाइकोल लिखो या इथाइलिन ग्लाइकोल. दिस इज द ग्लाइकोल. ये आपका डायोल है अपने पास सेम का फॉर्मेशन हो गया. नंबरिंग आप यहां से करो या यहां से करो तो उसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2-diol. क्लियर. इथेन 1,2-diol. बाद आती है ग्लिसरॉल. ये आपका ट्रायोल है. क्लियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. तो यहाँ पर देखो चेन बनेगी आपकी ये वाली. नंबरिंग कैसे कर लो 1, 2 एंड 3. नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइपोल. क्लियर. ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है. आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स.